प्रतिवर्ष एकादशी के दिन से शालीवाहन मंदिर से करीब 80 किलोमीटर की दूरी तय कर वापस शालीवाहन समाप्त होने वाली पंचकोशी यात्रा लगातार दूसरे वर्ष भी रद्द हो गई है। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए वैशाख की एकादशी को होने वाली पंचकोशी नर्मदा यात्रा को निरस्त करने का निर्णय यात्रा प्रभारी नर्मदा भक्त राजेंद्र सिंह यादव ने लिया है। तहसील मुख्यालय में 4 किलोमीटर दूर स्थित नर्मदा तट के शालीवाहन शिव मंदिर में 24 साल से हर साल वैशाख मास की एकादशी तिथि को पंचकोशी यात्रा का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पैदल परिक्रमा कर मंदिरों में दर्शन व पूजन कर सुख समृद्धि के लिए कामना करते हैं। बीते वर्ष भी कोरोना महामारी के चलते जिला प्रशासन ने धार्मिक व साहसिक महत्व की इस यात्रा को निरस्त कर दिया था। वहीं अब दोबारा से कोरोना के मामले बढ़ने पर प्रशासन ने यात्रा को निरस्त कर दिया है। यात्रा प्रभारी पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष राजेंद्र यादव ने कहा है कि शालीवाहन पंचकोशी यात्रा प्रतिवर्ष अनुसार एकादशी से प्रारंभ होती है। इस वर्ष कोरोना काल के कारण यात्रा ध्वज शालीवाहन मंदिर में स्थापित किया गया है और मंदिर के पुजारी मदन पंडित आरती पूजन प्रतिदिन करेंगे। यात्रा का समापन सत्तू अमावस को होगा। आप समस्त मां नर्मदा भक्तों से अपील है कि अपने घरों पर रहकर नर्मदा मैया जी की आरती पूजन आराधना करें और मां रेवा से प्रार्थना करें कि इस महामारी से सबको जल्द छुटकारा मिले। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए कसरावत से जाकिर खान की रिपोर्ट।